हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डीआईवाई विद केतकी। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे मेरे ही बनाए हुए डीआईवाईज यूज़ किए हैं टू गिव एन एक्सट्रीम मेकओवर टू वन ऑफ द लवलीस्ट पार्ट ऑफ आवर होम, दैट इज़ द बालकनी। सो आज का वीडियो है बालकनी मेकओवर वीडियो, एंड ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये मैं दो पार्ट्स में नहीं बना सकती थी, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और एंड तक के वीडियो देखिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, बिकॉज इट मीन्स अ हार्ट टू मी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलो शुरू करते हैं लेट्स डीआईवाई विद केतकी। तो ये है हमारी बालकनी, एंड आई एम शोइंग यू द वेरी रॉ पिक्चर। एंड इसमें अभी कुछ भी नहीं है, मैंने सारे जो मेरे प्लांट्स हैं वो निकाल के मेरी दूसरी छोटी वाली बालकनी में लगाए हैं। एंड इसके डायमेंशंस है अराउंड 13 फीट बाई 3 फीट। ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये एक प्लांटर एरिया था जिसे कि हमने तोड़ के एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाया है। तो इस वीडियो में बहुत सारी होने वाले हैं, मुझे जैसे कि रेलिंग को पेंट करना है, दीवार पेंट करनी है, पॉट्स एंड प्लांटर्स को पेंट करना है, काफ़ी सारे डीआईवाईज बनाने हैं, फिर उनको अरेंज करना है। तो चलिए आप मेरे साथ हो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन पेंट, और मैं इससे हमारी जो रेलिंग है उसे पेंट करने वाली हूँ। तो एक्चुअली रेलिंग पेंट करने के लिए यू नीड ऑयल पेंट और एनामल पेंट, बिकॉज दैट गोज एज वाटरप्रूफ। बट अभी ये जुगाड़ है, मुझे ज़्यादा खर्च नहीं करना था एंड वेस्टेज भी नहीं करना था, तो इसीलिए जो पेंट है मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये पेंट करना शुरू कीजिए आपके घर पे भी, ये काफ़ी रिलैक्सिंग है। और जो नया लुक आता है ना उस जगह पे, तो आपका माइंड इतना फ्रेश हो जाता है, मैं क्या बताऊँ। तो रेलिंग तो पेंट हो गया और मैंने इस दीवार को भी वाइट पेंट से पेंट कर दिया है। तो मेरी एक दीवार जो है वो वाइट कलर की होने वाली है, और ये दूसरी दीवार है ये ब्राउन पेंट है, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया। तो मैं सोच रही थी पहले वार्ली पेंटिंग करूं, बट दैट गोज़ वेरी कॉमन। तो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक झरोका पेंट करना मेरी आइडिया थी, तो मैंने सोचा हाँ, जो मैं यहाँ बिठाने वाली हूँ भगवान को, तो उनके लिए झरोका काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एशियन पेंट्स रॉयल, और ये येलो कलर लेके मैंने ये झरोखा पेंट करना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए मेरा झरोखा रेडी हो गया। इसको मैं स्टेंसिल के साथ थोड़ा डेकोरेट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं लोटस मोटिफ बना रही हूँ, एंड ये लोटस मोटिफ मैं उस झरोखे के चारों ओर पे पेंट कर दूँगी। तो आप जब भी स्टेंसिल यूज़ करो पेंट करने के लिए, खासकर वॉल पे, तो पेंट को ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में मत रखिए, अदरवाइज़ वो नीचे ड्रिप होगा एंड आपका जो भी पेंटिंग एंड आइडिया है वो ख़राब हो जाएगा। तो बाद में मैंने झरोखा उसको रेड और ब्लैक पेंट से इसको आउटलाइन कर दिया है, और जो लोटस मोटिव्स थे उन्हें भी मैंने उसी रेड पेंट से आउटलाइन कर दिया है। तो देखिए ये कितना नीटली आया है, अच्छा पेंटिंग लग रहा है ये। और मेरा ये पेंटिंग ख़त्म हो ही रहा था तब तक हमारे इलेक्ट्रिशियन भैया आ गए, और उन्होंने फिर उनका काम कर दिया। मुझे जो 3 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चाहिए थे वो उन्होंने मुझे यहाँ पे बिठा के दे दिए। उसके बाद ये दूसरी दीवार पे जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हो, ये डक्ट है और उसका हैंडल टूट गया था, तो ये ओपन ही है, तो मैं इसे क्लोज़ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये काफ़ी पुराना भी हो गया है, तो मुझे इसे किसी तरह से कवर करना था। तो इसे कवर करने के लिए मेरे दिमाग में आइडिया आई कि मैं इसे कुछ फ्रेम के साथ कवर करूँ। तो ये मेरे पास लकड़ी की पट्टियाँ रखी हुई थी काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट सालों से, तो मैंने मेजरमेंट लेके उसका एक फ्रेम बनाने का शुरू कर दिया। तो ये है मेरी स्टार, मेरी सुपरस्टार, मेरी बेटी मृदुला, एंड हम दोनों ने मिलके मेजरमेंट के हिसाब से इसे कट करना शुरू कर दिया। एंड येस, आई हैव टेकन प्रिकॉशंस। मैंने मृदुला को बताया था कि इसे कैसे पकड़ा जाता है एंड ऑल, सो वी वर डूइंग इट ऑल सेफ एंड नाइस। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट हो गए, काफ़ी टाइम लगा पहली लकड़ी को कट करने के लिए, उसके बाद वो ट्रिक समझ में आ गई हम दोनों को। तो देखिए ये मैंने ऐसे अरेंज किया है रफली, एंड मार्किंग्स करने के बाद विद द हेल्प ऑफ नेल्स मैंने इसको ठोक के एक अच्छा सा फ्रेम बना दिया है। फ्रेम बनने के बाद मैंने इसे सेम ट्रैक्टर इमल्शन वाइट कलर पेंट से पेंट कर दिया, एंड फिर ब्लू एक्रिलिक पेंट से मैंने इसे अच्छा ब्यूटीफुल एक ब्लू फ्रेम का इमेज दे दिया। नेक्स्ट चांस आता है हमारे प्लांटर्स को पेंट करने का, तो मेरे पास कुछ प्लास्टिक और कुछ मेटल प्लांटर्स है, तो इन्हें मैंने एनामल पेंट से और सेम रॉयल पेंट से ही पेंट कर दिया है,
और जब भी आप किसी पॉटेड प्लांटर को पेंट कर रहे हो तो जस्ट टेक प्रिकॉशंस दैट उसके जो लीव्स है या स्टेम है वो मुड़ ना पाए, टूट ना पाए। तो मैंने इसे ऐसे एक नैपकिन से कवर कर दिया एंड आई पेंटेड इट विथ रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो पेंट्स। लेट्स पेंट माय फेवरेट स्विंग। तो अब सब कुछ पेंट कर ही रहे तो इसे स्विंग को कैसे छोड़ दे, और ये तो मृदुला की जान है। तो हमने स्विंग को भी पेंट करना शुरू किया, पहले वाइट बेस पेंट लगा दिया था एंड वो सूखने के बाद हमने उसी सेम रॉयल येलो कलर में थोड़ा सा वाइट मिक्स करके एक अच्छा सा शेड बना दिया एंड मृदुला ने ऑलमोस्ट 80% उसे पेंट कर दिया था इन अ वेरी प्लेफुल वे एंड फिर बाद में मैंने उसे फिनिशिंग टच दे दिया। तो देखिए हमारा एक पीला सा झूला रेडी है। अभी नेक्स्ट बारी आती है उस ब्लू फ्रेम को डेकोरेट करने की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हमारे कलरफुल चार्ट पेपर्स यूज़ कर रही हूँ और उनसे मैं कुछ अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। तो मैंने ऐसा पेपर को फोल्ड करके फिर उसको आउटलाइन दे दिया है एंड उसके बाद उसको कटिंग कर दिया। तो देखिए हमारे कुछ ऐसे फ्लावर बन गए हैं एंड इसके अंदर फिर मैंने ये पिंक चार्ट पेपर लेके उसे फोल्ड करके फिर मैंने उसे स्लिट्स दे दिए हैं, देखिए कुछ इस तरह से। फिर बाद में उसे फेविकॉल लगा के मैं उसे अंदर ऐसे रोल कर रही हूँ तो ये अपने आप में ही एक अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा, बट मैं इसे इस येलो फ्लावर के अंदर फेविकॉल के साथ चिपकाने वाली हूँ। देखिए कितना प्रिटी सा एक 3D फ्लावर तैयार हो गया, वो भी 2 मिनट में। तो चलिए अभी सीखते हैं एक दूसरा रोज़ फ्लावर बनाना। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ एंड जो एजेस है उस लाइन पे ही हम उसे कट करना शुरू कर देंगे तो एक जैसे स्प्रिंग जैसे तैयार हो जाएगा। तो ये जो बाहर का डेड एंड था उसको हम अंदर के साइड रोल करते जाएंगे एंड आपको उसे रोल करके जो बेस जो था उसके ऊपर फेविकॉल से चिपका देना है। फिर जैसे ही चिपक जाता है आप थोड़ा सा उसे लूज़ कर देंगे तो देखिए आपका एक वेरी नाइसली ब्लूम्ड रोज़ फ्लावर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह मैंने और भी काफ़ी सारे फ्लावर्स एंड लीव्स तैयार कर दिए एंड इनके साथ हम उस ब्लू फ्रेम को डेकोरेट कर देंगे। अभी नेक्स्ट DIY के लिए मैं बना रही हूँ कुछ पेपर बटरफ्लाइज। तो मैंने ऐसा एक रेक्टेंगुलर चार्ट पेपर ले लिया है वाइट कलर का, उसे मैं अच्छे से दबा के फोल्ड कर दूंगी एंड एक रफली मैं यहाँ पे आउटलाइन कर रही हूँ बटरफ्लाई का। तो इस आउटलाइन को हम कट कर देंगे एंड जब आप उसको ओपन करते हो तो देखिए एक सुंदर सा बटरफ्लाई तैयार हो जाता है। क्यूट राइट? तो ऐसे मैंने बहुत सारे बनाए हैं एंड विथ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड चुटकू मुटकू से लेके बड़े हमटी डमटी तक बना दिए विथ रेड एंड वाइट कलर। तो ये है एक पेपर लैंटर्न जो कि मैं मार्केट से लेके आई हूँ, दिस कॉस्टेड मी 70 रुपीज़ ईच और इसके साथ आता है ये स्टैंड। तो आप क्या करते हो इसे बलून की तरह हम इसे ओपन करते हैं एंड फिर ये जो स्टैंड है उसे हम अंदर फिक्स कर देते हैं। तो जो इसका टॉप पार्ट होता है उसमें एक ऐसा आर्क बनाया है जिसके साथ आप वायर अटैच कर सकते हो। सॉरी ये बहुत बड़ा साइज़ में है बलून एंड कैमरा के रेशो में फिट नहीं हुआ, बट मैं आपको वापस इसका एक अच्छा लुक दे दूंगी। तो देखिए ये हमारा एक लैंटर्न तैयार हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने बटरफ्लाइज बनाई है तो ये जो वायर का रिम है जो फ्रेमवर्क है इसके ऊपर फेविकॉल के साथ चिपका देंगे। सो यू जस्ट नीड टू बी लिटिल कॉशियस बिकॉज द पेपर लैंटर्न इज़ मेड आउट ऑफ अ वेरी वेरी थिन पेपर तो ये फट सकता है। तो आपको बहुत ही छोटू सा ड्रॉप देना है फेविकॉल का एंड आप इसे चिपकाना शुरू कर दीजिए कुछ इस तरह। एंड द मेकओवर बिगिंस हियर, लेट्स स्टार्ट। तो ये हमने आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास कारपेट खरीदी किया जो कि हमने लोकल स्टोर से लिया था एंड ये अराउंड 4000 का मिला है हमें। सो दिस वाज द एक्सपेंसिव थिंग जो हमें इस मेकओवर में हुआ एंड देखिए आप, मैं और मृदुला इसे अच्छे से बिछा रहे थे एंड ये इसके प्रोज एंड कॉन्स तो मुझे यूज़ करने के बाद ही पता चलेंगे, बट ये जैसे ही हम बिछा रहे थे तो मैं आपको क्या बोलूँ, मेकओवर स्टार्ट ही किया था तो इट हैज़ चेंज द एंटायर लुक एंड फील ऑफ द एम्बियंस एंड एक ग्रैंड लुक आ रहा था इसे एंड मृदुला तो खुशी के मारे, मतलब शी वॉज जस्ट इन टू हर मस्ती मोड एंड बहुत ही चेंज लुक हो गया इसका।
तो यहाँ पे अभी मृदुला यहाँ पे गौतम बुद्धा की जो एक फेस है, फ्रेम है, वो लगा रही है। तो ये हमने लिया था, गोवा गए थे हम तब, हमने बाय किया था। एंड ये इतनी सुंदर फ्रेम है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब सुंदर मूर्ति है। तो देखिए ये मेरा झरोखा इसके लिए परफेक्ट मैच कर रहा है। एंड मैंने हाँ इस मेकओवर के लिए मेरे प्लांट फीवर को और बढ़ाया, और मैंने ये ऑफिस प्लांट्स बोलते हैं इस शायद पे, इस छोटे से फ्लावरिंग प्लांट को, तो मैंने ये दो खरीदी किए थे 50 रुपीज़ ईच। तो एक पिंक है एंड येलो फ्लावर्स दे रहे हैं, तो इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। नेक्स्ट मेरा जो DIY वुडन बेंच था, उसे भी मैंने यहाँ बुद्धा फ्रेम के नीचे रख दिया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आप देखिएगा इसका वीडियो ज़रूर। फिर आती है बारी हमारे प्लांटर्स की, जिन्हें हमें पेंट किया था, उन्हें भी मैंने एक एक करके अच्छे से लगा दिया है। तो ये बेबी स्पाइडर प्लांट्स थे, ये अभी बन गए हैं मम्मा डैडी प्लांट्स। ये ब्रास बेल मैंने बाय किया था पूना कैंप से, एक आर्टिफैक्ट स्टोर में से। और ये देखिए हमारा क्यूट सा प्लांटर, जिसका वीडियो आप बहुत लोगों ने लाइक किया है, थैंक यू सो मच। एंड ये है हमारे प्यारा सा बर्ड फीडर, एंड ये सारे क्यूट से बर्ड्स है, इना मीना डिका चिका। तो इसे भी मैं हैंग कर दूंगी इस जूट रोप के साथ, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसे मैं हैंग कर रही हूँ हमारे ब्रास बेल के बाजू में। इसके बाद है ये वॉल डेकोर हैंगिंग पीसेस, इसे हम अभी हैंग करेंगे। तो मैं साथ ही में बता देती हूँ, मैं इस टाइप से हुक यूज़ करती हूँ, जिसे मैं सुपर ग्लू या फिर नेल के साथ इसे फिक्स कर देती हूँ। तो ये आपको 2 या 5 रुपए में मिल जाता है कोई भी हार्डवेयर स्टोर में। एंड आप अगर मेरा DIY वॉल प्लेट्स डेकोर वीडियो देखोगे, तो उसमें मैंने काफ़ी अलग अलग टाइप की आइडियाज़ बताई है, किस तरह से आप वॉल डेकोर पीसेस को हैंग कर सकते हो। तो देखिए ये हमारा वॉल बन रहा है बहुत अच्छे से। एंड हियर कम्स अवर ब्यूटिफुल ब्लू फ्रेम, एंड जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्लांट प्रोपोगेशन स्टेशन। तो ये जितनी सारी बॉटल्स आप देख रहे हो यहाँ पे, दीज आर मेड आउट ऑफ वेस्ट शैम्पू बॉटल्स और कंडीशनर बॉटल्स। तो आप भी ऐसे कुछ आइडिया लेके वेस्ट को बेस्ट में कर सकते हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए विच ऑफ़ दीज हैव यू लाइक द मोस्ट, एंड विच ऑफ़ दीज वुड यू लाइक टू ट्राई फॉर योर सेल्फ एज वेल। एंड हाउ क्रिस्पली हमारी ब्लू फ्रेम ने जो डक्ट है पीछे उसे हाइड कर दिया है, एंड इट्स सिंपली एडिंग डेकोर। और ये आ गया हमारा ब्यूटिफुल सा कार्डबोर्ड बर्ड हाउस, येस इट इज़ कम्प्लीटली मेड फ्रॉम वेस्ट कार्डबोर्ड, इसका वीडियो लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बालकनी में। एंड इसके बाद मैंने शुरू कर दिया था मेरे सिटिंग अरेंजमेंट को। तो यहाँ पे मैंने मेरी पुरानी साड़ी को अरेंज किया है, एंड हैविंग दीज टिपिकल ब्यूटीफुल कुशंस। साथ ही मैं मेरे पास जो पीस लिली एंड सिंगोनियम प्लांट है, उसे भी मैं यहाँ ऊपर रेलिंग पे लगा रही हूँ। एंड बाय द टाइम मृदुला केम फ्रॉम हर क्लास एंड शी सॉ दैट मम्मा इज़ ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग, सो शी केम आउट टू हेल्प मी नाउ। एंड उसने ये जो कुशन है इसे अच्छे से प्लेस कर दिया। सो आई गॉट दिस कुशन मेड फ्रॉम अ लोकल शॉप फॉर लाइक 400 रुपीज़, तो इट वॉज़ अ बजट थिंग। एंड इसके बाद ये मैंने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाइन लगाया है, ये आया है मुझे 250 रुपीज़ में। तो मृदुला उसे अच्छी तरह डेकोरेट करने में मग्न हो गई थी, एंड देन शी कुडंट वेट एंड सिट देयर। तो यहाँ पे है उनका सिंहासन, जो कि आराम से मेरी बेटी वहाँ बैठ के नीचे उसके फ्रेंड्स को आवाज़ लगाती है। एंड देन शी वॉज लाइक कॉलिंग अ फ्रेंड्स आउट कि देखो यार मेरी बालकनी हमारी कितनी सुंदर हो गई है। सो दीज आर दी लैंटर्न्स देन 3 of them, और कितने प्यारे लग रहे हैं, लाइक बहुत सारी तितलियाँ उड़ के हमारे यहाँ ये लैम्प्स पे बैठ गई है। तो इसे भी मैंने लगाना शुरू किया, इट वॉज़ वेरी सिंपल टू हैंग इट टू द वायर्स देन। एंड जैसे ये रेड लगाया, उसी तरह मैंने बाकी के दोनों वाइट्स भी लगा दिए। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो लेट मी शो यू द बिफोर पिक्चर ऑफ आवर बालकनी मेकओवर। तो दिस इज़ अ सिंपल प्लेन वाइट वॉल, एंड हियर इज़ अ सिंपल ब्राउन वॉल जिसको मैंने झरोखा ऐड कर दिया था, एंड यू कैन सी द फ्लोरिंग एज वेल। एंड ऑल ऑफ दिस ड्रामेटिकली एंड मैजिकली गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी पीसफुल जोन। तो ये देखिए कामनेस एंड सीरेनिटी हमारे बुद्धा जी के फेस पे, मुझे तो लगता है ये थोड़ा थोड़ा स्माइल भी करते हैं मुझे देख के। तो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट हैज़ चेंज्ड, एंड येस दिस इज़ द बुद्धा जोन, बुद्धम शरणम गच्छामी।
एंड दिस वन द अदर पार्ट इज़ अ वेरी क्वर्की फंकी जोन जहाँ पे आप इन्जॉय कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर सकते हो, जहाँ पे मृदुला उसके फ्रेंड्स को लेके आ सकती है ऑफकोर्स कोविड रिस्ट्रिक्शंस के साथ। एंड ये देखिए बहुत ही क्यूट सा ये डेकोर हो गया है, आपको कैसे लगा मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलो चलते हैं अभी हमारे बालकनी का नाइट व्यू देखने के लिए। सो लुक एट दिस लैम्प्स गाइज, लुक एट दिस लैंटर्न्स, ये खेल रहे हैं हवा के साथ एंड व्हाट एन एम्बियंस दैट वी हैव क्रिएटेड हियर। एवरीबडी लाइक्ड इट, इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स थे दूसरी अपार्टमेंट से भी देख रहे थे कि कुछ तो हलचल चल रही है इसके बालकनी में, तो ये काफ़ी सूदिंग एंड कामिंग है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ लव सीट एंड दिस इज़ आवर वेरी फेमस न्यूयॉर्क स्काईलाइन एज सेट बाय माई हस्बैंड हेमंत। तो ये बोलता है कि हम घर बैठे न्यूयॉर्क स्काईलाइन एन्जॉय कर सकते हैं वहाँ बिना जाए वापस। तो ये है हमारा ब्यूटिफुल सा प्यारा सा बालकनी डेकोर। तो मैं एक म्यूज़िक चला देती हूँ, आप इसे एन्जॉय कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन एंड शेयर इट विद एवरीवन। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।